नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा, ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्रेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। किन्नौर में गिरा पहाड़, 10 की मौत, कई लापता, राहत बचाव कार्य जारी। कांग्रेस ने फिर किया वॉकआउट, जगत सिंह नेगी के भाषण को कार्रवाई से हटाने के विरोध में हंगामा। आज हमारे हक में होना चाहिए फैसला, स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर बैठक कर सरकार को दी चेतावनी। कालाम में नदी में डूबे दो भाई, नहाने आए अभागे युवक गुलरिया नदी में समाये। सोशल मीडिया की फर्जी पोस्ट से रहो सावधान, नौकरी के नाम पर फर्जी पत्र जारी करने पर कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने की अपील। 2192 लोगों ने कर्ज लेकर शुरू किया अपना कारोबार, उद्योग मंत्री बोले स्वरोजगार के लिए अहम साबित हो सकती मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। 3 साल में कुत्तों ने काटे 2 लाख लोग, ग्रामीण विकास मंत्री ने जारी किया डाटा, 12,500 पशुओं को भी गड़ाए दान। बन लगाना तो दूर, योजना की नींव पट्टिका भी गायब, 30 साल पहले बन लगाओ रोजी कमाओ योजना का पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था आगाज। अब खबरें विस्तार से। किन्नौर में गिरा पहाड़, 10 की मौत, कई लापता, राहत बचाव कार्य जारी। किन्नौर जिले के निगुलसरी के चील जंगल के पास एक बड़े पहाड़ ने 5 वाहनों को बुरी तरह से पीस दिया है। हादसे की चपेट में लगभग 3 दर्जन लोग आए हैं, जिनमें से समाचार लिखे जाने तक 10 शव बरामद कर लिए गए थे और 13 घायलों को बचाकर अस्पताल भेज दिया गया था। कितने लोग लापता हैं, कितने अभी तक दबे हैं और कितनों ने जिंदगी की जंग हारी है, कोई नहीं जानता। हादसा बुधवार दोपहर 12 बजे का है। NH 505 पर निंगोलसरी के चील जंगल में एकाएक बड़ा पहाड़ गिर गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे HRTC के रिकांगपियो डिपो की बस, एक ट्रक, एक अल्टो कार, एक सुमो और एक कार दब गई। पहाड़ इतना खतरनाक टूटा कि बस लापता हो गई, सुमो बुरी तरह दब गई और अल्टो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना जंगल की आग की तरफ फैल गई। हादसा इतना खतरनाक था कि लगभग 2 घंटे तक पहाड़ गिरता रहा और वाहनों को मिट्टी और चट्टानों के आगोश में लेता रहा। कांग्रेस ने फिर किया वॉकआउट, जगत सिंह नेगी के भाषण को कार्रवाई से हटाने के विरोध में हंगामा। विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस का वॉकआउट बुधवार को भी जारी रहा। कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर भारी हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग उठाई। इसकी तुरंत व्यवस्था न मिलने से नाराज कांग्रेस ने बेल में आकर तालियां बजाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंचे विपक्षी विधायकों ने यह हंगामा मंगलवार को कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी द्वारा नियम 130 के तहत प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर हुई चर्चा के दौरान दिए भाषण को सदन की कार्यवाही से हटाने के विरोध में किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच व्यक्तिगत तौर पर भारी नारेबाजी और शोर शराबा हुआ। विपक्ष ने पहले विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास और फिर सदन के बीचों बीच जाकर नारेबाजी तथा हंगामा किया। आज हमारे हक में होना चाहिए फैसला, स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर बैठक कर सरकार को दी चेतावनी। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और देवभूमि क्षत्रिय संगठन की राज्य स्तरीय संयुक्त बैठक मंडी के होटल राजमहल में आयोजित की गई। बैठक में रूमी सिंह ने कहा कि सरकार को समाज के सभी वर्गों को एक समान नजर से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, आरक्षित वर्ग के मात्र 2-3% लोग ही फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को 10 दिन का समय दिया गया है, जिसकी अवधि 12 अगस्त को समाप्त हो रही है। अगर सरकार ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई तो आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे। इस अवसर पर देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मदन ठाकुर ने कहा कि पिछले 70 सालों से स्वर्ण समाज के लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष को राहत प्रदान की जाती है, जबकि स्वर्ण समाज के बच्चे 90% अंक लेकर भी नौकरी नहीं पा सकते, जबकि दूसरी ओर वर्ग विशेष के 40% अंक वालों को नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर विधानसभा में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर चर्चा की। मदन ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य के सवाल के जवाब में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्ण समाज के नेताओं को ठेकेदार कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम 75% समाज के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम समाज में समानता की बात करते हैं, आरक्षण जाति के आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। कालाम में नदी में डूबे दो भाई, नहाने आए अभागे युवक गुलरिया नदी में समाये।
जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालांब के साथ लगती पंचायत बर्मा पापड़ी में बुधवार को दो युवकों की स्थानीय नदी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कालांब से 6-7 युवक नहाने के लिए बर्मा पापड़ी की ओर आए थे। रास्ते में एक युवक को मधुमक्खी ने काट लिया, लिहाजा अन्य युवक रास्ते में ही रुक गए, जबकि ये दोनों करीब 3 बजे गुलरिया नदी में नहाने उतर गए। नहाते नहाते ये दोनों युवक नदी के कुंड में पहुंच गए और डूब गए। ये दोनों रिश्ते में मामा बुआ के लड़के थे। एक युवक यूबी के बिंजौर का रहने वाला था तथा कालांब के एक उद्योग में काम करता था। उसी के पास हरिद्वार से उसका भाई सुमित आया था। स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो तुरंत ही रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों भाइयों को बचाया नहीं जा सका। शवों को कुछ देर बाद ही कुंड से निकाल लिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना कालांब के थाना प्रभारी टीम सहित मौके पर पहुंच गए। सोशल मीडिया की फर्जी पोस्ट से रहो सावधान। नौकरी के नाम पर फर्जी पत्र जारी करने पर कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने की अपील। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी को लेकर फर्जी पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया है, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ऐसी बातों से सावधान रहने की सलाह दी है। लोगों को जागरूक करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ऐसे तमाम मामलों की पुष्टि विश्वविद्यालय से करने का आग्रह किया है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय से ऐसे कुछ लोगों ने संपर्क साधा है जिनको विश्वविद्यालय में नौकरी का पत्र जारी किया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि नौकरी आदि के विषयों में विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरी पारदर्शिता बरतता है और इस संबंध में सभी नियमों का पालन करता है, इसीलिए लोग अपनी तरफ से कोई कोताही ना बरतें और ऐसे शरारती तत्वों से सावधान रहें। 2192 लोगों ने कर्ज लेकर शुरू किया अपना कारोबार। उद्योग मंत्री बोले, स्वरोजगार के लिए अहम साबित हो सकती है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्वरोजगार की दृष्टि से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। 2192 लोगों ने इस योजना के तहत ऋण लेकर अपना काम शुरू भी कर दिया है, जिसमें 378 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसमें 122 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार के लिए दिया और 6055 लोगों को रोजगार हासिल हुआ है। 3 साल में कुत्तों ने काटे 2 लाख लोग। ग्रामीण विकास मंत्री ने जारी किया डाटा। 12,500 पशुओं को भी गड़ाए दांत। प्रदेश में 3 साल के भीतर 2,550 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया है। बुधवार को बीच में ग्रामीण विकास मंत्री ने आशीष बुटेल और धनी राम सांडिल के पूछे गए सवाल के जवाब में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्टे डॉग्स ने 12,682 पशुओं को भी काटा है। ये आंकड़े विधानसभा में 30 जून 2021 तक के जारी किए गए हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।